हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल जियोमैट्रिक्स इंजीनियरिंग और आज की एमसीक्यू सीरीज जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से नहीं है ये मैंने खुद ही बनाया है और ये जो हमारा गेट जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग का कॉमन सेक्शन है ये सारे एम सी क्यू जो उसी सेक्शन से हैं तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव इज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेवस इन चारों ऑप्शंस में से कौन से नेचर की होती है तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं तो पहला ऑप्शन सही है और कैसे तो वेव्स जो है वो दो टाइप की होती है ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल और जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये अप एंड डाउन मोशन में आगे की तरफ बढ़ती है और अप एंड डाउन मोशन जो है ये ट्रांसवर्स वेव में होता है और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है कि ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंप्रेशन के साथ मूव होती है वेव्स तो इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि वॉट इज द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल बैंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो विजिबल बैंड है उसकी वेवलेंथ रेंज क्या है इन चारों ऑप्शन में से तो इसका जो सही आंसर है वो है 750 फिफ्टी नैनोमीटर टू फोर हंड्रेड नैनोमीटर यहाँ पे एक टेबल भी दिया हुआ है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जितनी बैंड है उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कहा से कहां तक है और वेवलेंथ रेंज कहा तक है तो विजिबल की जो है वो 750 फिफ्टी एनएम टू फोर हंड्रेड एनएम इसी बीच में रेंज करती है इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि हु डिस्कवर्ड द इंफ्रा रेड लाइट इंफ्रा रेड लाइट किसने डिस्कवर किया था तो इसका जो सही आंसर है वो हेनरिज हर्ड तो इनके बारे में अगर थोड़ी बात करें तो हेनरिड हर्ज जो थे ये जर्मन फिजिसिस्ट थे इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पर इससे पहले भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रेडिक्शन जो है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नाम की कोई चीज होती है उसको बाद में हर्ट्ज ने डिमोन्स्ट्रेट किया था और हर्ट्ज जो है ये इनके नाम पे भी इनको ऑनर दिया गया है फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो है वो इनके नाम पे रखी गई है हर्ट्ज इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स आर फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रो वेव मैग्नेटिक वेव्स जो है वो कैसे फॉर्म होती हैं तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स तो ऐसे क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में जिनमें आप क्वेश्चन को ये अगर थोड़ी डिटेल में देखें तो उस क्वेश्चन में आंसर छुपा होता है जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इस टर्म में इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक ये टर्म छुपा हुआ है तो यहीं से इसका आंसर जो है आ जाता है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स दोनों से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फॉर्मेशन होता है इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो एटमोस्फेरिक विंडोज वाले टॉपिक से है तो क्वेश्चन है कि विच एटमोस्फेरिक गैसेज सम पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कौन सी गैसेस है इन सारे ऑप्शंस में से जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कुछ पार्ट्स जो होते हैं उनको ऑब्जॉर्व कर लेती है तो ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है इसलिए इसका आंसर जो होगा वो ऑल ऑफ अबव होगा ओजोन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर तीनों ही गैसेज जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को कि कुछ पार्ट्स को अब्जॉर्व कर लेती हैं जो वेव्स जो हैं हानिकारक होती हैं अर्थ सरफेस के लिए जैसे गामा रेज एक्स रे अल्ट्रा वायोलेट रे जो अर्थ सर्फेस के लिए हानिकारक होती है वो अर्थ सरफेस तक नहीं आ पाती है वो बीच में ही इन गैसेस के द्वारा अब्सॉर्व हो जाती है एटमोसफेयर में ही इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि एटमोस्फेरिक विंडोज आर एटमोसफेरिक विंडोज क्या होती हैं तो इसके जो ऑप्शन है वो ये है कि दे अलाउ द रेडिएशन टू इजिली पास थ्रू द एटमोस्फेयर टू अर्थ सर्फेस और दे डू नॉट अलाउ द रेडिएशन टू पास थ्रू द एटमोसफेयर या फिर ये एब्जॉर्ब विंडोज है या फिर बोथ सी एंड भी है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि दे अलाउ द रेडिएशन टू इजिली पास थ्रू द एटमोसफियर टू अर्थ सर्फेस ये एटमोसफेरिक विंडोज क्या होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से जो बैंड जैसे विजिबल बैंड है अर्थ सर्फेस तक पहुंच जाती है एटमोसफेयर में उसका ऑब्जॉर्बेशन नहीं होता है तो एक तरह से ये नाम में ये विंडो खिड़की या एटमोस्फेयर में ओपन रहती है जहां से बैंड को आने के लिए तो वो जो पार्ट होता है जहां पे बैंड जो ट्रांसपेरेंट या नो ऑब्जॉर्बन होता है वो एटमोस्फेरिक विंडोज कहलाती हैं तो आज के एमसीक्यू सीरीज में बस इतने ही सवाल जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले टॉपिक से और एटमोस्फेरिक विंडोज वाले टॉपिक से कवर किए गए थे तो आज के लेक्चर में आप सबका बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच